आप देख सकते हैं ये लोग सामने घूम रहे हैं दोस्तों। और ये जो मतलब आज इतना मतलब मतलब मौसम भी पूरा बारिश का मौसम है दोस्तों, बारिश भी होने का बहुत चांसेस है आज। तो मैं आज आपको दोस्तों मेरा जो एक्चुअली अजोला जो होता है मतलब इन लोगों को दिया जाता है, तो अजोला का जो इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। अजोला कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सब बताऊंगा। मेरा जो फार्म है दोस्तों यहाँ पे अजोला भी मैंने किया है, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से पूरे फार्म का व्यू है ये। और ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का ब्रीड है दोस्तों यहाँ पे फ्री रेंज में घूम रहा है। और ये कल से अंडे भी दिया है दोस्तों, इसने अंडे देना भी शुरू कर दिया है। आप से देख सकते हैं यहाँ से कितना बड़ा है ये, 3 किलो हो गया है दोस्तों ये। तो मैं आज आपको मतलब जो अजोला है अजोला के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मेरा फार्म का व्यू है, ये सिस्टम किया है मैंने सब। और ये कोकोनट का ट्री है दोस्तों, मैंने लगाया है अभी इसे, ये आप देख सकते हैं हो गया है 2-3 महीने हो गया है लगभग। और दोस्तों जो ये एक पपैया का है मैंने इसे भी लगाया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं ये जो मेरा अजोला का मैंने सिस्टम किया है यहाँ पे। इन लोगों का फीड है दोस्तों ये, मतलब ये बहुत अच्छे से खाते हैं इसे अजोला, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कैसे मतलब एक पॉलीथीन लिया है, पॉलीथीन के बैग में इसे फिट करके उसका चारा जो पकाया था, और अभी वो सब कुछ मतलब निकल गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, 1-2 दिन में ये बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ये है अजोला। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मतलब ये हम लोग ये जो हमारा पोल्ट्री फार्म में यूज करते हैं फीड के तौर से यूज करते हैं इसे, जिसके कि मतलब फीड कॉस्ट बहुत कम हो जाता है इसके लिए। और ये मतलब प्रोटीनियस होता है, बहुत प्रोटीनियस होता है, जो कि मतलब हमारे जो चिक्स वगैरह होते हैं और जो रोस्टर वगैरह होते हैं बहुत अच्छे से खाते हैं उसे, तो हमारा फीड कॉस्ट कम हो जाता है थोड़ा। और मछली बाद मतलब कभी कभी मछली भी खाते हैं, और जो हमारा बकरी है और गाय है सबको हम देते हैं ये अजोला खाने के लिए, एक प्रोटीनियस चीज़ है। तो ऐसे इस शेड को प्रस्तुत करने का बहुत मतलब तरीके होते हैं दोस्तों, नहीं तो अच्छा नहीं होता है ये। तो शेड को इसका जो शेड है और नीचे का जो एरिया है उसे मतलब रेडी करने का तरीका ये है कि पहले तो आप इसे 2 फीट का जो नीचे गड्ढा खोद लीजिए। गड्ढा खोदने के बाद दोस्तों यहाँ से आप मतलब ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हैं मतलब ये येलो कलर का, ऐसे एक येलो कलर का पॉलीथीन मोटे वाला ले लीजिए, और इसे इसके अंदर पानी डाल दीजिए। पानी डालने से क्या होगा ना दोस्तों, जो हमारा फिर अजोला का चारा जो है, अजोला का चारा लेना पड़ेगा। अजोला का चारा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और आप जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ले सकते हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होगा वहाँ पे ऐसे करते हैं। तो हमने तो हमारा जो कलाहंडी का भवानीपाटना से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये लिया था, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से हमारे जो मतलब अधिकारी वगैरह भी आए थे यहाँ पे कि हम लोगों को हेल्प किया कैसे ये मतलब जो अजोला का
जो शेड है उसे फिट करते हैं, कैसे करते हैं सब बताया, और उन्होंने बहुत मदद किया हमें। और दोस्तों पहले तो पहली बात है कि हम लोगों को तो चारा लेना चाहिए। चारा लाने के बाद ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को देकर इसके अंदर पानी देना चाहिए। पानी देने के बाद इसके अंदर गोबर, जो गाय का गोबर होता है, गोबर को घोल कर इसके अंदर दे दीजिए। फिर सुपर सार जो होता है, सुपर फास्फेट जो सार होता है, सुपर सार भी इसमें थोड़ा आधा किलो के आसपास इसे मार दीजिए यहाँ पे। तो आधा किलो को सुपर फास्फेट सार और जो हमारा गोबर हो गया उसका मिक्स करके यहाँ पे डाल दीजिए, और पानी भी डाल दीजिए पैक करके। और जो है आपका जो चारा रहेगा दोस्तों, चारा को लेकर यहाँ पे डाल दीजिए। तो चारा देखेंगे आप 2-3 दिन में ये बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं जाएगा, 2-3 दिन तक ये बढ़ जाएगा। 2-3 दिन हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसे वीकली 2-3 बार निकाल कर, वीकली एक दिन के बाद निकाल कर अपना आप जो पोल्ट्री फार्म है और जो लाइफ स्टॉक है उन लोगों को खाने के लिए दे सकते हैं आप। उसे क्या होगा ना दोस्तों, उन लोगों को मतलब प्रोटीन का भी कमी नहीं होगा और आपका फीड कॉस्ट भी मतलब बच जाएगा। इसीलिए हम एजोला का यूज करते हैं। और इसे और आपको अगर कोई अगर जानकारी चाहिए एजोला स्टार के बारे में तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें मेरे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैं आपको मेरा जो फार्म का व्यू है ये भी दिखा रहा हूँ। और एजोला को आप मतलब जो बड़े मतलब ये जो मुर्गा मुर्गी होते हैं उन लोगों को दीजिए, मतलब जो बहुत छोटे वाले को नहीं देना चाहिए। छोटे वाले को देगा तो वो मतलब उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और मतलब मर जाएगा। इसलिए थोड़ा जिसका वजन मतलब 400 से 500 ग्राम की ग्राम से ज़्यादा है, उस चीज़ को मतलब उस जो मुर्गा मुर्गी है उन लोगों को ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।